अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुश और हैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ अपने उम्रा की जर्नी शेयर करने लगी हूँ। रमज़ान से पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रे पे गई थी और मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया था। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सियालकोट से दुबई और दुबई से जद्दा। एमिरेट्स से हम लोगों ने फ़्लाई किया था, ये एमिरेट्स का प्लेन है। सुबह 8 बजे हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। एमिरेट्स की सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, प्लेन बहुत अच्छा है, सीट्स अच्छी हैं, फूड अच्छा है, बट ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है जिसमें आपका दुबई स्टे होता है और उसके बाद आप फाइनल डेस्टिनेशन पे जाते हो। प्लेन में टाइम पास करने के लिए मैंने एक मूवी लगा ली थी। थोड़ी सी मूवी देखने के बाद ये फूड आ गया था हमारा। फ़ूड में एयर होस्टेस आपको दो ऑप्शन देती है, चिकन और मटन का। मैंने चिकन मंगवाया था और मैंने मामा को कहा कि आप मटन मंगवा लें ताकि हम दोनों चीज़ें ट्राई कर सकें। चिकन में ये चिकन पालक और राइस थे और मटन में ये मटन के कबाब थे और साथ ग्रेवी और साथ राइस थे और बाकी सारी चीज़ें सेम थी। उसके बाद खाने के बाद वो आपको चाय और कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं। मैंने चाय ली थी और मामा ने कॉफ़ी। खाने के बाद आपका लैंडिंग का टाइम आ जाता है। सियालकोट से दुबई 3 घंटे की फ़्लाइट थी और उसमें आपको एक फूड मिलता है जो काफ़ी अच्छा होता है और आप का पेट फुल हो जाता है। उसके बाद लैंडिंग के बाद दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो एक ट्रेन आती है जो आपको दूसरे स्टॉप पे लेके जाती है जहाँ से आपकी दोबारा से फ़्लाइट होती है। क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लोगों का 2 घंटे उधर स्टे था, उसमें हम लोगों ने इहराम भी बांधना था और नियत भी करनी थी, इसलिए सबसे पहले हमने 2 नफल अदा किए और उम्रे की नियत की। और उसके बाद फिर हम लोगों के पास थोड़ा टाइम था, 15 से 20 मिनट थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं। कोस्टा कॉफ़ी का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ था और मेरा दिल था मैं ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये कॉफ़ी ली। मैंने और बाबा ने कॉफ़ी ली और मामा ने चाय ट्राई की। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत मज़े की थी। देन हम लोगों की नेक्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है दुबई से जद्दा। ये प्लेन से दुबई का व्यू है। अब नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मक्का का होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।